आप सभी लोगों ने हाल ही में एक रिपोर्ट के बारे में सुना होगा। उसका नाम है आपका वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट, या फिर वैश्विक इसे आप लोग खुशहाली सूचकांक भी कह देते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भी कहते हैं आप लोग। तो याद रखा करिएगा कि इस तरह की रिपोर्ट कौन जारी करता है और इसमें टॉप पर कौन बना रहा है और हमारी स्थिति क्या है और नीचे से टॉप कौन कर रहा है। इन सब पॉइंटों के बारे में याद रखा करिएगा और इस रिपोर्ट को तैयार करते समय किन बातों को ध्यान में रखा गया है, ठीक है। इन्हीं से आपके क्वेश्चंस डायरेक्ट प्रीलिम्स में भी पूछ लेता है और कई बार आपके वन डे एग्जाम में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में कि पाकिस्तान हमसे ज़्यादा खुश है, यानी कि कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ के लोगों से ज़्यादा पाकिस्तान के लोग खुश हैं। आप समझ सकते हैं कि हमारी स्थिति क्या है। और आजकल तो आप लोग आप अपने आसपास भी देख रहे होंगे कि कोई बूढ़ा हो चाहे बच्चे हों, सबके दिमाग पर एक तरह से आपको टेंशन दिखाई देगी, ठीक है, मायूसी छाई रहेगी। अपने पड़ोसियों को देख लीजिए आप लोग, उसके बाद हम लोग इस रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। तो ये श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार, भूटान, नेपाल, ऊपर चाइना देखने को मिलेगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये पूरा एशिया है, ठीक है। तो इसी की बात करना है हमें, इस जो भी पास में हमारे देश हैं इनके बारे में भी याद रखना है और टॉप पर कौन बना हुआ है उनके बारे में भी याद रखना है और नीचे से टॉप कौन कर रहा है उनके बारे में भी, ठीक है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस से एक दिन पूर्व संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 यानी कि 2021 जारी की गई है। तो याद रखिए संयुक्त राष्ट्र यहाँ एक शब्द आया हुआ है, इसके बारे में भी याद रखिए। वैसे इनके बारे में जितने भी संगठन हैं आपके, इनके बारे में हम लोग विस्तार से बात कर चुके हैं, ठीक है। तो आपकी महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से एक प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, वहां जाकर आप लोग देख लीजिए। और याद रखिए इस तरह के संगठनों से हमेशा आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं। आप लोग पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस कब पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए तो कहा जाता है कि कम से कम 5 से 6 साल पुराने क्वेश्चंस पेपर आप लोग देख लिया करिएगा, ठीक है। तो इसकी संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ है आपको देखने को मिलेगा, यहाँ देखिए, ये है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा और 193 सदस्य इसमें अभी शामिल हैं। और आधिकारिक भाषाओं की अगर आपसे पूछे तो अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रांसीसी है, रूसी है और स्पेनी है, इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। और दूसरा है आपका सतत विकास समाधान नेटवर्क के बारे में। तो इसकी स्थापना भी आप देखेंगे कि सन 2012 में हुई थी। कब? सन 2012 में हुई थी, अगस्त 2012। इसका मुख्यालय भी आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा, ठीक है। यही आपका इसका मुख्यालय भी देखने को मिलेगा। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिए। इस वर्ष रिपोर्ट विश्व के लोगों पर कोविड-19 के प्रभाव पर केंद्रित है, क्योंकि आपने देखा है कि 2020 पूरा कोविड-19 ने निकल लिया एक तरह से। और आप समझ सकते हैं कि सबकी टेंशन, नौकरी गई किसी के, कोई बेरोजगार हो गए एक तरह से, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम रही है, तो इसलिए भी लोगों के दिमाग पर आप कह सकते हैं हमारे भारत में टेंशन रही है और खुशियाँ चली गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के बारे में अगर हम बात करें तो आप सभी को मालूम होना ये चाहिए कि प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनुष्य के जीवन में खुशहाली के महत्व को इंगित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस का आयोजन किया जाता है। ये आपका डायरेक्ट कई बार क्या होता है कि वन डे एग्जाम में पूछ लेता है आपका कि खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो याद रखना चाहिए 20 मार्च को, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2013 में अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी, यानी कि पहली बार ये 2013 में, लेकिन जुलाई 2012 में इसके लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। पहली बार खुशहाली दिवस का संकल्प भूटान द्वारा लिया गया था और जिसमें 1970 के दशक की शुरुआत से राष्ट्रीय आय के बजाय राष्ट्रीय खुशी के महत्व पर जोर दिया गया है और सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर सकल राष्ट्रीय खुशहाली को अपनाया गया है। आप समझते हैं कि कई देशों की आप देखेंगे कि जीडीपी अच्छी है या फिर आपकी सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी अच्छी है, लेकिन वहां खुशहाली के मामले में आप देखेंगे सबसे बुरी स्थिति है। अमेरिका को ही ले लीजिए आप लोग, ठीक है। सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक की बात करें तो इसकी अवधारणा को भूटान के चौथे राजा जिंगबे सिंगे बांगचूक द्वारा 1972 में प्रस्तुत किया गया था। तो इनके बारे में भी आप लोग याद रखिए।
और इस अवधारणा का अर्थ है कि प्रगति के लिए सतत विकास का एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है और भलाई को बढ़ावा देने हेतु गैर आर्थिक पहलुओं को समान महत्व देना है। और इसके बारे में एक और याद रखिए, सतत विकास लक्ष्यों को भी आप लोग 17 हैं, इन्हें भी याद रख लीजिए, क्योंकि इनसे क्या रहता है कि आपका प्रॉब्लम समय भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है और जब आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हो या फिर निबंध लिख रहे हो तब भी इनको आप लोग उपयोग कर सकते हो वहाँ, ठीक है। जीएनपी किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है, चाहे वे किसी भी स्थान पर मौजूद हों। और वर्ष 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस की थीम रही है हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। याद रखिए इसकी थीम भी, याद रखिए ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अगर प्रमुख बिंदुओं की बात करें वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 के, तो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 149 देशों के नागरिकों के खुशहाली स्तर को मापते हुए इस बात को दर्शाती है कि इन देशों के लोग स्वयं को कितना खुश मानते हैं। तो आप लोगों को ये सबसे पहले याद रखना है कि इसमें कितने देशों से आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं, तो 149 देशों को शामिल किया गया है इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट में शामिल किए गए देशों की रैंकिंग मतदान गैलब वर्ल्ड पोल पर आधारित है, जो 6 कारकों में शामिल है, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, क्रय शक्ति समानता, दूसरा है सामाजिक सहयोग, और तीसरा है आपका जन्म के समय स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा, चौथा है जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, पांचवा है उदारता, और छठवा है भ्रष्टाचार की धारणा। एक तरह से आप कह सकते हैं कि इन सभी आधारों को तो देखते हुए, ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है रिपोर्ट, ठीक है। सर्वेक्षण के दौरान उत्तरदाताओं को अपनी वर्तमान जीवन स्थिति का मूल्यांकन 0 से 10 यानी कि 0 से 10 के पैमाने पर करने के लिए कहा गया है। आपका ये कई बार क्वेश्चन बन जाता है इस तरह का कि जो वैश्विक खुशहाली सूचकांक है एक किन आधारों पर तैयार किया जाता है, तो इन 6 को आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें टॉप पर हम लोग कौन से देश बने हुए हैं इनकी अगर बात करें, तो रिपोर्ट के तहत फिनलैंड को लगातार 4वें वर्ष विश्व का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है। किसे? फिनलैंड। फिनलैंड कहाँ है आपका मैप्स में एक बार देख लीजिए आप लोग, ये है आपका फिनलैंड, ठीक है, यूरोप का देश है। उसके बाद अगर आप लोग देखें तो आइसलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, जर्मनी और नॉर्वे का स्थान आता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को टॉप पर याद रखना चाहिए, ठीक है, पहले पर है आपका फिनलैंड। और अगर नीचे से हम लोग टॉप की बात करें तो इसमें अफगानिस्तान देखने को मिलेगा। अफगानिस्तान को 149वां नंबर मिला हुआ है, यानी कि सबसे बुरी स्थिति कह सकते हैं या सबसे दुखी देश, दुखी लोगों का देश भी कह सकते हैं, सबसे नाखुश देश बताया गया है इसमें अफगानिस्तान को। आप लोग देख लीजिए एशिया में आपको देखने को मिलेगा, ये है आपका अफगानिस्तान। आप जानते हैं कि पीओके वाले सीमा हमारी लगती है अफगानिस्तान से, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें तो इसमें देखेंगे अफगानिस्तान का स्थान, फिर आपको जिम्बाब्वे 148, रवांडा 147, बोस्वाना 146, लिसोथो 145। तो टॉप आपका फिनलैंड और नीचे से टॉप कौन कर रहा है? अफगानिस्तान। अगर भारत के पड़ोसियों की बात करें तो इसमें आपको पाकिस्तान को 105वां स्थान मिला हुआ है और बांग्लादेश को 101वां स्थान मिला हुआ है और चाइना को 84वां स्थान मिला हुआ है। यानी कि आप कह सकते हैं कि हमारे पड़ोसियों की हमसे अच्छी स्थिति है, ठीक है। और रिपोर्ट में भारत की स्थिति की बात करें तो आप देखेंगे 149 देशों में 139वां स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि हम अच्छा नहीं कह सकते, हमारे यहाँ लगभग बुरी स्थिति है। और 2020 में अगर हम बात करें तो भारत को 156 देशों में 144वां स्थान प्राप्त हुआ था, ठीक है। और यहाँ अमेरिका के बारे में भी याद रखिए, अमेरिका को कौन सा स्थान मिला है? तो 19वां मिला हुआ है, ठीक है, अमेरिका को 19वां मिला हुआ है। और सतत विकास नेटवर्क के बारे में बात करें तो वर्ष 2012 में लॉन्च किया गया सतत विकास समाधान नेटवर्क सतत विकास लक्ष्यों SDG और पेरिस जलवायु समझौते से संबंधित व्यवहारिक समस्या को हल करने हेतु वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करता है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव के तत्वाधान में स्थापित किया गया था और सतत विकास समाधान नेटवर्क और वाल्टेंसमन स्टिफ्टंग द्वारा वर्ष 2016 से वार्षिक SDG सूचकांक और डैशबोर्ड ग्लोबल रिपोर्ट प्रकाशित की जा रही है, ठीक है। तो यही कहानी है आपके सूचकांक की, और मुझे लगता है कि इन्हीं से आपका क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आराम से आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। और याद रखिए इसी इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी इस तरह का इंडेक्स आपका निकलता हो, डेमोक्रेसी इंडेक्स हो या फिर आप कोई भी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो,
इन सब के बारे में पॉइंट टू पॉइंट याद रखा करिएगा, और इनमें जो संस्था निकालती है उनके बारे में भी आप लोग याद रखा करिएगा, और भारत की क्या स्थिति है उसमें जरूर आप लोग याद रखा करिएगा, और टॉप पर कौन बना हुआ है और नीचे से टॉप कौन कर रहा है ये भी आपको याद रखना चाहिए। इन्हीं से आपका क्वेश्चन आराम से आ जाता है, ठीक है। फिर चाहे आपका सिविल सर्विस का प्रीलिम्स हो या स्टेट पीसीएस का आपका कोई भी प्रीलिम्स हो, ठीक है।